उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर रक्षाबंधन के दिन सोमवार को हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में मौन उपवास रखा, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष लेखपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उपवास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से ISBT के पास नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना हुई है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आवाज उठाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और भाजपा ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लगातार पिछले दो वर्ष में जनपदों के आप आंकड़े देखिए, बलात्कार, गैंगरेप, हत्याएं और डकैती, चोरी, ये आम घटना हो गई है। और अपराधी बेखौफ है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, एक गठजोड़ बन चुका है। और कई सालों तक जनपदों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती है। अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन स्पष्ट है कि सरकार का और अधिकारियों का अपराधियों का एक गठजोड़ बन चुका है, जिससे कि उत्तराखंड में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। किस किस घटना का नाम लूँ, लगातार हरिद्वार है, भादराबाद है, अभी थाने के समीप ISBT में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और प्रशासन उसको दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रुद्रपुर की घटना, अभी नर्स हमारी बहन थी, बेटी थी, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा, ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहाँ पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें, कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, घोर विरोध हम इसका करते हैं। और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। सदन में जब विषय मिलेगा, अवश्य कानून व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से 20 के 20 हमारे विधायक गरजेंगे।